बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी फैमिली, कैसे हो आप? उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक हो गए। आज मैं आपके लिए दुपट्टे को लेस लगाने की वीडियो लेकर आई हूँ। मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी कि किस तरीके से आप इनविजिबल तरीके से, जैसे गुम सिलाई से, शीतल की लैस दुपट्टे को लगा सकते हो। ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल इसकी सिलाई नज़र नहीं आ रही और ऐसे लग रहा है कि जैसे ये लैदा से कपड़ा लगा के हमने इसके अंदर अटैच की है। तो उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो पसंद आएगी। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। दुपट्टे को श्रिंक कर लेंगे क्योंकि ये कढ़ाई वाला है, तो इसको श्रिंक करना ज़्यादा ज़रूरी है। और जब आप श्रिंक कर लेंगे तो जब ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ कि ये जो कढ़ाई वाली जगह है, ये देखें ज़रा, अभी इसमें नमी है, ये अभी गीला है, यहाँ से खुश्क हो चुका है। तो हम इसको प्रेस कर लेंगे, चेक करें। मैंने इसको खींच कर अच्छी तरीके से प्रेस किया है क्योंकि ये फूल गीले थे, तो ये बिल्कुल सीधे हो गए। अगर ये ड्राई हो जाएंगे तो ये ठीक तरीके से प्रेस नहीं होगा और इसकी ये कढ़ाई ठीक तरीके से बैठेगी नहीं। अब इसके बाद इसके चारों हिस्सों पे, दुपट्टे के चारों तरफ 1.5 इंच पे हम मार्किंग कर लेंगे। दुपट्टे की इधर मार्किंग करने से पहले हम इसके, ये देखें, इसकी कटिंग एक जैसी नहीं है। हम इसको बराबर करके, ये साइड वाले पल्लू जो हैं, इधर तो ये किनारा है, ये तो पूरे हैं, लेकिन ये ज़रा आगे पीछे कटिंग हुई हुई है, कम या ज़्यादा। तो हम इसको बराबर कर लेंगे दोनों साइड से। ये अब बराबर हो गया। अब इसकी हम मार्किंग करेंगे 1.5 इंच की, 1.5 इंच की, इस साइड पे भी और चारों तरफ पे हमें मार्किंग कर लेंगे ताकि हमें लैस लगाने में बहुत ज़्यादा आसानी रहे। ये लैस लेंगे, इसकी ये साइड सीधी है और ये उल्टी है। हम दुपट्टे का छोटा पल्लू जो है वहाँ से स्टार्ट करेंगे, पर इतनी जगह पे हम सिलाई नहीं लगाएंगे। ये दुपट्टे की सीधी साइड है और ये लैस हम उल्टी रखेंगे। जो हमारी ऊपर वाली साइड होगी, जिस तरफ सिलाई लगानी है वो उल्टी होगी, और ये दुपट्टे की तरफ जो है वो सीधी लैस होगी हमारी। तो जो हमने मार्किंग की है उसके साथ रख के, इतना छोड़ के हम इसको सिलाई लगाना शुरू करेंगे। इस तरह हम इस मार्किंग के साथ रखते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। यहाँ से हम लैस को टर्न करेंगे और ये जो मार्किंग है हमारी, इसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाई है लैस को, ये इस साइड से,
ये देखिए आपको सिलाई नज़र आ रही होगी। अब इसको हम दूसरी सिलाई लगाएंगे, इसको हम इस तरह फोल्ड करेंगे और यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जितनी ही ये देखें जहाँ पे ये सिलाई लगाई है इसके ऊपर ऊपर हमने चारों तरफ दुपट्टे को सिलाई लगानी है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे उतनी ही जितनी के यहाँ से बारीक है, इतनी ही सिलाई यहाँ पे बारीक लगाएंगे। ये लेस इस साइड पे आ गई, इसको हम इस तरह फोल्ड करेंगे। इसके ऊपर जो हमने पहले सिलाई लगाई हुई है उसके ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे, क्योंकि ये सिलाई हमें इस तरफ से नज़र आ रही है। ये चेक करें इसको इस तरह करके और इस जगह पे बिल्कुल किनारे पे जहाँ पे ये सिलाई है उसके ऊपर सिलाई लगानी है। इसका एंड भी इसी तरह करेंगे जैसे उधर से स्टार्ट किया था, सेम उसी तरह बस सिलाई लगाते जाएंगे और आगे से भी इसी तरह लगा लेंगे। अब इसे हम निकाल लेंगे, इसे खोलेंगे कॉर्नर को और सेम उसी तरीके से ऐसे ही फोल्ड करेंगे। ये देखें ये सिलाई लग गई, ये अब यहाँ से लगानी स्टार्ट करेंगे सेम उसी तरीके से। और लैस को इस तरह थी, अब इस लैस के कॉर्नर को इस तरह कर लेंगे तो सिलाई यहाँ पे आएगी। इस चीज़ को पहले इस तरह रख के सारे दुपट्टे को प्रेस करेंगे, इस तरह रहेगी लैस। सारे दुपट्टे को जब हम प्रेस करेंगे तो ये ऐसे रहेगी, ठीक है। उसके बाद फिर हम इसको ऐसे प्रेस कर लेंगे। ये ऐसे आ जाएगी। इसको इस तरह प्रेस कर लिया ऐसे, अब वो सिलाई नज़र नहीं आ रही, इनविजिबल हो गई है। ये देखें ज़रा, अब हम इसको इधर एक सिलाई लगा लेंगे। यहाँ से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। कंप्लीट हो चुका है।
ये देखें कितने खूबसूरत तरीके से लैस लगी है। मेरा आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ। अब इजाज़त दें किसी न्यू वीडियो के साथ, किसी न्यू ब्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। खुश रहें, अपने प्यारों को खुश रखें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।